हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल त्यागी। आपका स्वागत है हमारे चैनल विशाल त्यागी ग्लोबल एंड डिजिटल मार्केटर पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 से अपनी वेबसाइट को कैसे रिमूव करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट एसईओ और वर्डप्रेस के फ्री ट्यूटोरियल मिलेंगे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आप अपने गूगल एनालिटिक्स 4 के अकाउंट से वेबसाइट को प्रॉपर्टी डिलीट करके भी हटा सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गूगल एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी को डिलीट और रिस्टोर कैसे करें तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। जबकि यहाँ पर प्रॉपर्टी सेटिंग में गूगल एनालिटिक्स 4 में आपका वेबसाइट का यूआरएल प्रेजेंट नहीं होता है तो आप दूसरे तरीके से भी यहाँ अपनी वेबसाइट को रिमूव कर सकते हैं। जबकि यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स में आपका प्रॉपर्टी सेटिंग्स में ही आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है। यहाँ पर आप ओनली प्रॉपर्टी को डिलीट करके ही वेबसाइट हटा सकते हैं। जबकि गूगल एनालिटिक्स 4 में आप दूसरे तरीके से भी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स 4 के अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी को कैसे डिलीट और रिस्टोर करें तो आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स 4 से अपनी वेबसाइट को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर डाटा स्ट्रीम्स पर जाना होगा। जैसे कि आपको पता है गूगल एनालिटिक्स 4 डाटा स्ट्रीम्स और इवेंट पेज पर ही अब काम करेगा। तो डाटा स्ट्रीम्स पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट की डाटा स्ट्रीम शो हो जाएगी। अगर आपने वेब क्रिएट कर रखी है, एंड्रॉइड क्रिएट कर रखी है, iOS क्रिएट कर रखी है तो आप अलग अलग यहाँ पर भी जा सकते हैं। अदरवाइज ऑल में आपको सब कुछ दिख जाएगा और यहाँ पर आपको आपकी स्ट्रीम शो हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी के अंदर डाटा स्ट्रीम में आपको शो होगी। तो यहाँ पर ये रही आपकी डाटा स्ट्रीम। इसके बाद में आप अपनी इस डाटा स्ट्रीम पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको आपके डाटा स्ट्रीम का स्ट्रीम यूआरएल, स्ट्रीम नेम जिसमें की वेबसाइट का यूआरएल हो, वेबसाइट का नेम होगा आपकी, यहाँ पर मेजरमेंट आईडी होगी। जबकि गूगल एनालिटिक्स में जो पुराना वर्जन है उसमें ट्रैकिंग आईडी होती है और यहाँ पर आपकी स्ट्रीम आईडी भी शो हो जाएगी। इसके बाद में अगर आपको इस वेबसाइट को यहाँ से या अपनी कोई भी वेबसाइट, आपकी कोई भी वेबसाइट जैसे ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट या आपकी किसी भी टाइप की वेबसाइट है, अगर आपको उसको रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर 3 डॉट्स होंगे, इन पर क्लिक कीजिए और डिलीट स्ट्रीम पर क्लिक कर दीजिए। जब आप डिलीट स्ट्रीम पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये वेबसाइट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर अपने डाटा स्ट्रीम को डिलीट करते हैं तो ये आपकी कभी भी रिस्टोर नहीं होगी। अगर आप किसी भी डाटा स्ट्रीम को डिलीट करना चाहते हैं तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी कोई भी वेबसाइट दोबारा रिस्टोर नहीं होगी। आपको वहां पर न्यू डाटा स्ट्रीम आईडी और मेजरमेंट आईडी मिलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस था गूगल एनालिटिक्स 4 से अपनी वेबसाइट को रिमूव करने का। जब भी हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, जैसे digitalgate.blogspot.com ये हमारी वेबसाइट है, और जब भी हम होम पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये डाटा स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए कहेगा और ये कहेगा कि हम आपकी वेबसाइट के लिए डाटा जब भी कलेक्ट होगा, जब आप अपना डाटा स्ट्रीम सेटअप करेंगे। तो ये प्रोसेस था गूगल एनालिटिक्स 4 से अपनी वेबसाइट को रिमूव करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करते रहें। आपका ब्लॉग स्पॉट एसईओ और वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें, हम उस पर वीडियो भी क्रिएट करेंगे और आपको अपनी वीडियो में मेंशन भी करेंगे। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।